महानगर के कटघट थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी गुलाबबाड़ी निवासी चंद्रपाल सिंह की विवाहिता पुत्री पूनम ने अपने पति कैलाश व ससुराल वालों के खिलाफ उसका उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। शुक्रवार को पीड़ित विवाहिता ने SSP को एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया है कि उसकी शादी लगभग 6 वर्ष पूर्व थाना गाजीपुर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति व ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। उत्पीड़न से तंग आकर वे अपने ताऊ के घर रह रही है। प्रार्थना पत्र में पति व ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई गई है। पीड़िता पूनम ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, मेरे साथ मारा पीटी करते हैं, ये 6 महीना से किया है। मेरे पति ये मारपीट से घर से निकाल दिया है, 2 मेरे बच्चे हैं। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम कैलाश है। शादी को कितने साल हो गए आपकी? 7वां साल में शादी को चल लिया है। कितने समय से परेशान कर रहे हैं? मैं शादी से परेशान हूँ। किस बात को लेकर परेशान करते हैं? दहेज मांगते हैं, दारू पी कर मारपीट करते हैं मेरे साथ। थाने पर शिकायत की थी आपने? जी हाँ। क्या कार्रवाई? थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे रही, तो इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही। कितने बच्चे हैं आपको? 2 मेरे बच्चे हैं। बच्चे आपके पास ही? एक लड़का मेरे पास है, 1 महीने बाद को मेरी लड़की मेरे मुझसे छीन के ले गए हैं। अब आप कहाँ रह रही हो? मैं मुरादाबाद रहती हूँ। पति के साथ रहती हूँ? अकेले में रहती हूँ। किससे शिकायत की आपने आज? कौन सा अधिकारी से शिकायत की है? कप्तान से। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहती हूँ, मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूँ पति के खिलाफ। जी हाँ, जब मुझे सही से रखते नहीं हैं, मुझे भेज दिया कई बार समझौता करके, आने से भी।